ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने यूपी विधानसभा चुनाव में हार मिलने के बाद बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती पर संगीन आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पूर्वांचल की 122 सीटों पर प्रत्याशियों की सूची बीजेपी ऑफिस में फाइनल हुई, जबकि उन्हें सिंबल बहुजन समाज पार्टी कार्यालय में दिया गया। उन्होंने दावा किया कि वे इसका सबूत भी दे सकते हैं। ओपी राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस, चार बार सत्ता में रह चुकी पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, उनके वोट कहाँ गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने विधानसभा वार रिव्यू करने का निर्णय लिया है, उसके रिपोर्ट्स में उनकी जो कमियां मिलेगी जिन्हें वे ठीक करने की कोशिश करेंगे। बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का मेल हो गया जो यूपी में बड़ा खेल हो गया। हाल ही में संपन्न यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 6 सीटों पर जीत मिली है। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने 18 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। ओपी राजभर इससे पहले भी कई विवादित बयान दे चुके हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी को कुल 255 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि उसके सहयोगी अपना दल सोनेलाल को 12 और निषाद पार्टी को 6 सीट पर विजय हासिल हुई है। वहीं समाजवादी पार्टी को 111 जबकि उसके सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल को 8 और सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 6 सीट पर जीत मिली है।